उत्तर प्रदेश की 3 सीटों पर 5 दिसंबर को उपचुनाव को लेकर मतदान होने हैं। इन सभी सीटों पर चुनाव के प्रचार थम गए हैं। मैनपुरी लोकसभा सीट के साथ रामपुर खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव के मतदान होने हैं, जिसमें सभी पार्टियां अपनी अपनी दावा पेश कर रही है। उपचुनाव और नगर निकाय चुनाव को लेकर डॉक्टर संजय निषाद से हमारे संवाददाता अविनाश ने खास बातचीत की है, आइए सुनते हैं। आप देखिए, इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, पीछे वहाँ लेस्टर में दंगे हुए, हिंदू मुस्लिम रूप ले लिया। हम वहाँ गए रात को 11 बजे गए वहाँ पर, कि हम बीजेपी देखते हैं, बीजेपी ओवरसीज का काम भी हम देखते हैं यूके के अंदर। तो वहाँ पूरी टीम गई वहाँ पर। तो ये जो है एक मतलब हमारी गवर्नमेंट को बदनाम करने की साजिश भी लोग बाहर विदेशों में रचते हैं कि भारतीय सरकार को हम कैसे बदनाम किया जाए इंटरनेशनल लेवल पर। जबकि ऐसा है कि मोदी जी हमारे इतने स्ट्रॉन्ग हैं, हमारी गवर्नमेंट इतनी स्ट्रॉन्ग है, वो कामयाब कहीं भी कामयाब नहीं है आज की तारीख में। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है डॉक्टर संजय निषाद जी, आज भव्य सम्मान समारोह में यहाँ पर मौजूद है। आज किस तरीके का कार्यक्रम, किसको सम्मानित किया गया? ये जो हमारे NRI ग्रुप है, जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म के हमारे जो इंटरनेशनल सेक्रेटरी हैं देव त्यागी जी, उनका बड़ा सराहनीय योगदान पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, भारत के लोग जाकर जो बौद्धिक रूप से आर्थिक रूप से मजबूत लोग हैं उनको इकट्ठा कर रहे हैं। और हम लोगों ने तय किया है कि अभी मैं जब आज़ादी के अमृत महोत्सव पर गया था तो वहाँ इनको मैंने आमंत्रित किया था और कहा था कि उत्तर प्रदेश भी उत्तम बनाने के लिए आप लोग यहाँ भी इन्वेस्ट करें। निकाय चुनाव नज़दीक है, निषाद पार्टी की क्या भूमिका रहेगी? निषाद पार्टी भी जहाँ जहाँ कार्यकर्ता है वहाँ तैयारी की हुए हैं और अभी आरक्षण की सूची आई है और प्रदेश अध्यक्ष से बात हो चुकी थी। उन्होंने कहा जब सूची आ जाए तो जहाँ जहाँ आपके कार्यकर्ता लड़ना चाहते हैं हमें दे दीजिए, निश्चित रूप से सम्मान देगी भारतीय जनता पार्टी। तो ये हमारे साथ डॉक्टर संजय निषाद, जिनका साफ तौर पर कहना था चाहे मैनपुरी का उपचुनाव हो या फिर नगर निकाय चुनाव, साफ तौर पर जो निषाद पार्टी है पूरी दम के साथ यहाँ पर चुनाव लड़ेगी। और साफ तौर पर जो मैनपुरी या खतौली या रामपुर के उपचुनाव पर बताया कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत होने वाली है। लखनऊ से MK न्यूज़ के लिए अविनाश।